नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी, रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करी, आखिर में अश्विन ने अच्छी पारी खेली, लेकिन एक खिलाड़ी था जिसका नाम था रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह को पंत को आराम देकर रिद्धिमान शाह को मौका दिया गया। बड़ी उम्मीदें थी रिद्धिमान शाह से, लेकिन केवल एक रन बनाकर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई टीम सऊदी की गेंद पर कैच थमा बैठी। बेशक रिद्धिमान शाह ने इस मैच में ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड और अनोखा रिकॉर्ड रिद्धिमान शाह के नाम दर्ज हो गया है इस मैच में। और ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं वो, जो अभी तक टीम इंडिया में ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं हुआ है। और वो जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है उम्र को लेकर। दरअसल आज़ादी के बाद से आपने बहुत सारे टीम इंडिया में विकेट कीपर टेस्ट मैचों में देखे होंगे। सैयद किरमानी हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, बहुत दीपदास गुप्ता हुए, बहुत सारे विकेट कीपर देखे होंगे। लेकिन रिद्धिमान शाह अकेले ऐसे विकेट कीपर हो गए हैं जो सबसे उम्रदराज हो गए हैं। अब मैं आपको पूरे रिकॉर्ड बताऊंगा, अब से पहले किसके नाम ये रिकॉर्ड था ये भी बताऊंगा, और रिद्धिमान शाह की क्या उम्र है अब ये भी बताऊंगा। दरअसल अगर आज़ादी के बाद से बात करें तो रिद्धिमान शाह ऐसे विकेट कीपर हैं जो सबसे उम्रदराज क्या हैं। उनकी उम्र है 37 साल 32 दिन। 37 साल 32 दिन के बाद रिद्धिमान शाह इस मैच को खेल रहे हैं, मतलब सबसे उम्रदराज टेस्ट मैच में विकेट कीपर का जो नाम है, रिकॉर्ड है, वो इनके नाम दर्ज हो गया। इससे पहले उन्होंने, अब जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो फारूक इंजीनियर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। फारूक इंजीनियर का नाम आपको याद होगा, फारूक इंजीनियर भी बहुत बड़े विकेट कीपर टीम इंडिया के लिए हुए हैं। उनके जो नाम रिकॉर्ड था वो 36 साल 338 दिन का था, मतलब 36 साल 338 दिन के जब वो थे तो वो टेस्ट को रिटायर कर चुके थे। और अब जो रिद्धिमान शाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है वो 37 साल 32 दिन उनके नाम है। लेकिन एक विकेट कीपर ऐसा है जिसके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, मतलब सबसे उम्रदराज विकेट कीपर के तौर पर उसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसका नाम वैसे आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो रिकॉर्ड था वो था दत्ताराम हिंदेलकर के नाम। दत्ताराम हिंदेलकर एक ऐसे विकेट कीपर खिलाड़ी थे जिनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, और उनकी उम्र थी 37 साल 231 दिन जब उन्होंने टेस्ट मैच खेला था। अब 37 साल 32 दिन के ये हो भी गए हैं तो कुल मिलाकर 200 दिन की और बात है। और अभी ऐसा लग भी रहा है कि जैसे रिद्धिमान शाह अभी खेलते रहेंगे, अभी 1.5 साल 2 साल तो कम से कम खेलते ही रहेंगे। तो हो सकता है कि रिद्धिमान शाह दत्ताराम का ये रिकॉर्ड तोड़ दें। तो आपको क्या लगता है, क्या रिद्धिमान शाह दत्ताराम का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? वैसे सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या आने वाले 1.5 साल उनको मौका मिलेगा भी, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी फॉर्म उनका साथ नहीं दे रही है। विकेट कीपिंग की जो तरीका है, जो एथिक्स होते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं है। जाहिर तौर पर टेस्ट मैचों में रिद्धिमान शाह बड़े विकेट कीपर हैं, और हमेशा जो टीम इंडिया के दिग्गज है वो कहते हैं कि रिद्धिमान शाह से विकेट कीपिंग करानी चाहिए। लेकिन जहां पर बात बल्लेबाजी की आ जाती है, जहां पर बात रन बनाने की आ जाती है, टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की आ जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं रिद्धिमान साहब पीछे नज़र आते हैं। और बाकी जो विकेट कीपर है, बात ऋषभ पंत की कर लीजिए, बाकी विकेट कीपर्स की, तो वो थोड़े से आगे नज़र आते हैं। बस बल्लेबाजी में अगर रिद्धिमान साहब थोड़ा सा और सुधार करें तो जाहिर तौर पर विकेट कीपिंग स्किल तो इस खिलाड़ी के पास कमाल की है, और दुनिया में सबसे बेहतर विकेट कीपर की अगर टेस्ट मैचों की बात करें तो रिद्धिमान शाह उनमें से एक है। लेकिन बल्लेबाजी में रिद्धिमान शाह पर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी वो एक रन बनाकर आउट हुए, जब उम्मीद थी उनसे श्रेयस अय्यर के, रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद जब उनसे उम्मीद थी कि रिद्धिमान शाह बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, टीम इंडिया के स्कोर को 400 साढ़े 400 500 तक पहुंचाने में टीम इंडिया की मदद करेंगे, एक बड़ी पारी खेलेंगे, वहां पर रिद्धिमान शाह फेल हो गए। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया है। टीम इंडिया के आज़ादी के बाद से सबसे उम्रदराज विकेट कीपर की अगर बात करें तो वो एक उसमें दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर दत्ताराम का नाम आता है, दूसरे नंबर पर रिद्धिमान शाह का नाम आ गया है। और इस तरह से ये रिकॉर्ड एक अनोखा रिकॉर्ड कह सकते हैं, कोई बल्लेबाजी या उसमें विकेट कीपिंग में ये रिकॉर्ड नहीं है, उम्र के लिहाज से एक रिकॉर्ड है जो उनके नाम एक दर्ज हुआ है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? एक हमें लगा कि इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दे देना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत कम लोगों को जानकारी इस बारे में होती है। तो ये खबर कोशिश करी हमने कि आप तक पहुंचाने की। वीडियो कैसी लगी हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करें, क्योंकि और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके सामने आएँ उसकी जानकारी आपको मिले।